हम हैं नया IDN 7 हौसला है। आई न्यूज का अब दूसरा वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं और ये वायरल हुआ है पाकिस्तान में, मगर मुझे लगता है भारत में भी हो सकता है। जियो टीवी चैनल, जाना माना चैनल है पाकिस्तान का, उस पर बहस हो रही थी। आजकल सोशल मीडिया पर जो ये देखा जा रहा है हिस्सा, ये हम अब आपको दिखा रहे हैं। बहस में एक मौलवी साहब को बुलाया गया और उनसे दो बातें खास है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। एक तो एंकर की लगातार हंसी निकल रही है और वो कोशिश कर रहा है इसे रोकने की। दूसरा, मौलवी साहब से पूछा कुछ जा रहा है और वो चले कहीं और जाते हैं। आप भी देखिए ये दूसरा वायरल वीडियो। आया इस्लामी नजरियाती काउंसिल इसका जवाब क्या देगी, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रुकने इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं। अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अरसलान इफ्तिखार साहब की जानेब से जो खत लिखा गया है, यकीनन इस्लामी नजरियाती काउंसिल को वो मौसूल हो गया होगा, क्या कहेंगे उस खत पे आप? अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकता हूं जी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को और मुझे जाती तौर पर यह खत मौसूल हुआ है और मैं बतौर सरबराह पाकिस्तान उलमा काउंसिल के अपने दारुल इफ्ता को यह खत इरसाल कर चुका हूं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ये खत जब आएगा, इंशाअल्लाह हम इस पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन जो कुछ हकायक लिखे गए हैं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। और अगर इमरान खान साहब के मुतालिक यही हकायक दुरुस्त हैं, तो फिर खान साहब को ये सोचना चाहिए कि जो शख्स अपनी बेटी को अपनी पहचान नहीं दे सकता, वो शख्स पाकिस्तान को अपनी पहचान देगा? मेरी बेटी मेरा फखर है। मैं तमाम बेटियों के बापों से आज जियो न्यूज जो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, ये जो एंकर साहब हैं जो बिल्कुल मेरे पास हैं, इनकी तो हंसी नहीं रुक रही है। मौलवी साहब कुछ बहके बहके से नजर आते हैं और जो दूसरी एंकर हैं वो कुछ हद तक अपनी हंसी रोक पाती हैं। ये है एक बेहद वायरल वीडियो पाकिस्तान में। और अब